आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे इजी एंड टेस्टी मसूर पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए राइस। राइस को हमने पहले से ही धो के रखा हुआ है। मैंने बासमती राइस लिया है, आप कोई भी राइस ले सकते हैं। मसूर दाल, दाल को हमने 4 घंटे पहले से भिगा के रखा हुआ है। 2 प्याज लंबे कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची बड़ी कटी हुई, फ्रेंच बीन्स बड़ी कटी हुई, गाजर बड़ी कटी हुई, मटर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बे लीव्स, ज़ीरा, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और तेल। तो अब हम पुलाव बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे, 3 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, बे लीव्स डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग, काली मिर्च मिक्स कर लेते हैं, प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें अदरक डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अदरक और लहसुन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें मसूर की दाल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे, फ्रेंच बीन्स डालेंगे, गाजर, मटर, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें राइस डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालें, मिला लेते हैं। अब हम इसमें 3 बाउल पानी डालेंगे, राइस के हिसाब से 2 डालेंगे और दाल और सब्जियों के हिसाब से 1 डालेंगे, क्योंकि दाल हमने पहले से भिगा के रखी हुई थी। मिला लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसूर पुलाव तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, गैस बंद करेंगे और पुलाव को सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा मसूर पुलाव। आप इसे अपने मन पसंद किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।